बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियोज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपको तंग गले को खुला कैसे किया जाए इसका तरीका बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये गला तैयार किया हुआ है और ये गला बहुत छोटा है, इसको हमने थोड़ा खुला करना है। और इसको किस तरीके से खुला करेंगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम की लंबाई जो मैं ले रही हूँ 8 इंच ले रही हूँ और 4.5 इंच चौड़ाई है। यहाँ पर मैं जो शेप देना चाहूँगी वो वाली शेप इसको दे लूँगी। अगर आपको कोई और पसंद है तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से गला काट लिया है। अब ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं साइडों से कंधों वाली वो खोल लेंगे, पीछे वाली जो कपड़ा लगा हुआ होता है उसको भी खोल लेंगे और कंधे भी आधे आधे हम इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद मैं इसके ऊपर जो गला बना हुआ है उसकी उल्टी साइड पर मैंने इसको चिपका लेना है। यहाँ पे मैंने गला ऊपर रख के चिपका लिया है। अब अलग से एक फैब्रिक ले रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक फैब्रिक लेके इसको मैं अंदर ही इसके साथ अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो इसको पिन अप कर लें ताकि ये अपनी जगह से ना ही ले, इस तरीके से आपने पिन अप कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसको मैं काट लूँगी। सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसका मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक काट लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक काटने के बाद इसको ये देखें इसके अंदर से तुरपाई कर लूँगी और ये जो कपड़ा है पीछे वाला गले का ये भी मैं उतार लूँगी, इसलिए कि ये जब गला हम खुला करते हैं तो अमूमन जो पीछे वाला जो कपड़ा लगा हुआ होता है वो कम हो जाता है, इसलिए हम इसको अलग से उतार लेंगे। तुपाई करने के बाद यहाँ पे मैं इसके जो कंधे हैं उनको सिलाइयाँ लगा लूँगी और पीछे वाली जो हमने पट्टी लगी हुई थी बैक साइड के गले की वो हम उतार लेंगे, क्योंकि अमूमन जब हम सिलाई लगाते हैं तो गला जब खुला करते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा जो है इसको थोड़ा डीप करना पड़ता है। तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास काफ़ी खुला हो चुका है गला। अब इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जो है फैब्रिक साइडों से इस तरह से काट लूँगी। काटने के बाद मैं एक अलग फैब्रिक लेके उसको अरेप पट्टी की शेप में काट लूँगी। ये इस तरीके से अरेप करके काट लेंगे। अरेप करके काटने के बाद हम इसको सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं इस कपड़े को रख के इस तरीके से इसको सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की तरफ मोड़ लूँगी और नीट कर लूँगी। यहाँ पे मेरी सिलाई लग चुकी है, अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। यहाँ पे हमारा गला देखे तैयार हो चुका है और काफ़ी हद तक इसको हमने खुला भी कर लिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।